नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर। और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो तालिबान है उसका कहेंगे हैप्पी बर्थडे हो गया, यानी उसने अफगानिस्तान में एक साल कंप्लीट कर लिया अपने शासन का। तो इस एक साल के अंदर आज तालिबान की क्या वर्तमान स्थिति है, भारत का क्या नज़रिया है तालिबान को लेकर, या अन्य देशों ने तालिबान को कितना रिकग्नाइज किया है कि नहीं किया है, या तालिबान की जो एक तरीके से जो शासन है अफगानिस्तान में तो जनता उससे कितनी खुश है, जनता चाहती है कि तालिबान रहे या न रहे, तो इन तमाम बातों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का आपको एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगस्त 2021 की बात है जब अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुलाया था, और वर्तमान में तालिबान को अफगानिस्तान में शासन संभाले हुए लगभग एक साल हो गया। पिछले दो दशकों में यानी 20 सालों की अगर मैं बात करूं, भारत के अलावा और भी बहुत सारे जो देश थे उन्होंने अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान की। सहायता किसके अंदर, भाई अफगानिस्तान में अगर सड़क बनानी हो, या फिर बांध बनाने हो, या फिर सरकारी स्कूल बनाने हो, सरकारी कार्यालय बनाने हो, अस्पताल बनाने हो, या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना हो, या उनकी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना हो, या फिर शिक्षा के अंदर पुनर्निर्माण करना हो, इन सब चीज़ों के अंदर जो है भारत के अलावा बहुत सारे देशों ने हेल्प की थी। अब यहाँ पर तालिबान के बारे में जान लेते हैं कि इसका क्या इतिहास रहा। देखिए, पाश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, मतलब कि अगर हम उसका हिंदी रूपांतरण करें तालिबान का तो उसका मतलब निकलता है आपके सामने छात्र। ओके, 1990 के दशक की शुरुआत में स्टार्टिंग में जो क्या होता था कि अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक जो थे वो रहा करते थे, वो एक तरीके से अफगानिस्तान पर अपना कब्जा चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। और इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान से इन रूसी सैनिकों को यानी यूएसएसआर के जो सैनिक हैं इनको वहां से भगा दिया। फिर वहाँ उसके बाद क्या होता है कि उत्तरी पाकिस्तान में उभरा एक आतंकवादी संगठन यानी तालिबान वहाँ से उभरते हैं। वर्तमान में अफगानिस्तान के सक्रिय एक इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक और सैन्य संगठन है। यह काफ़ी समय से अफगान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थिति जो है वो निभाता आ रहा है। तालिबान बीते लगभग 20 सालों में काबुल में अमेरिका समर्थित सरकार के खिलाफ लड़ रहा था, और अफगानिस्तान में एक इस्लाम के सख्त रूप को फिर से लागू करना चाहता था। इस्लाम का सख्त रूप क्या है, देखिए भैया सिंपल सी बात है, कट्टरपंथी। इसका मतलब कि महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलेगी, या फिर उनको काम करने नहीं दिया जाएगा, इसके अलावा जो है एक तरीके से अपने ही कल्चर को पूरे तरीके से थोप देना वहाँ पर, एक खुद इस चीज़ को वो लागू करना चाहते थे। अभी फिलहाल तालिबान से भी एक कहा जा रहा है कि तालिबान से भी एक कठोर जो संगठन है वो उभर के आ गया है, वो तालिबान के खिलाफ है, कहते हैं कि भैया तुम असली इस्लाम को फॉलो नहीं करवा रहे हो, हम फॉलो करवाएंगे। इस करके तालिबान के खिलाफ हम कहेंगे कि इसी से एक कट्टरपंथी निकला, एक और ज़्यादा कट्टरपंथी, वो तालिबान के खिलाफ अब हो गया है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब थोड़ी बहुत हम बैकग्राउंड की अगर बात करें कि तालिबान को कैसे ये शासन में आया, फिर यहाँ पर कैसे कैसे वार्ता हुई इसके साथ, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर हम बात करें स्टार्टिंग बैकग्राउंड से, यानी कि जो टेररिस्ट अटैक होते हैं 11 सितंबर 2001 यानी 9/11 का जो हमला होता है, जैसे कि हमला होता है जिसमें अमेरिका के ऊपर ही हमला किया होता है, आपको ट्विन टावर याद हो तो ट्विन टावर गिरा दिए गए थे जिसमें 3,000 लोग मारे गए थे। जैसे ही ये काम होता है उसके जस्ट एक महीने बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम जो है इसकी शुरुआत कर दी थी। यानी सिंपल भाषा में बोले तो अमेरिका जो था उसने हमले स्टार्ट कर दिए थे अफगानिस्तान के अंदर, और जैसे ही अफगानिस्तान ने किया, अमेरिका ने किया, तो जो नाटो संबंधी जो गठबंधन सैनिक है उन्होंने भी अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। और कुछ समय में ही अमेरिका ने तालिबान के शासन को उखाड़ फेंका था अफगानिस्तान में से, और वहाँ पर अपनी एक समर्थन सरकार जो है वो अफगानिस्तान में स्थापित कर दी थी। और अमेरिका ये बहुत पहले ही समझ चुका था कि भई हम कितना ही युद्ध लड़ दें लेकिन ये युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, अगर इस चीज़ पे कोई भी सॉल्यूशन चाहिए वो तो सिर्फ और सिर्फ शांति वार्ता से ही होगा। तो शांति वार्ता होने लग जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो शांति वार्ता होती है अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में वो होती है 2015 में, जिसकी मेजबानी जो पाकिस्तान करते हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है एक तरीके से ऐसे समझिए कंधे पे बंदूक रखने वाला एक शख्स है, मतलब ये तालिबान के कंधे पे बंदूक रख के चला कौन रहा था, पाकिस्तान चला रहा था। तो 2015 में पाकिस्तान ने मेजबानी की थी मुरी, या फिर कहीं मरी नामक स्थान पर की थी। फिर यहाँ पर पाकिस्तान को कहा गया कि भैया आप साइड में हटो, आपकी ज़रूरत नहीं है, वार्ता करनी है, बात करनी है तो हम आराम से कर लेंगे। तो फिर आती है दोहा वार्ता, 2020 में होती है। दोहा वार्ता की शुरुआत में ही जो तालिबान है उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि भैया हम अमेरिका के साथ 1-to-1 बात करेंगे, ये जो आप काबुल सरकार की बात कर रहे हो ना हम ये नहीं चाहते, क्योंकि आप हमें पता है कि जो काबुल सरकार है वो अमेरिकी समर्थक तो सरकार है, अमेरिका ने तो उसे बना रखा है, तो आप सीधा सीधा बात करिए ना।
पर इस समझौते में अमेरिकी प्रशासन ने यह वादा कर दिया था कि 1 मई 2021 तक अफगानिस्तान में जितने भी जो अमेरिकी सैनिक है उनको वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन ये जो समय सीमा है इसको पूरा नहीं कर पाए, ये मतलब कि यहाँ पर डर लगा रहा कि यार इस टाइम में शायद हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो ये बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 11 सितंबर 2021 कर दी गई। अब इसके बाद अमेरिका की वापसी होती है। अमेरिका ने दावा किया था कि देखिए जुलाई 2021 तक लगभग उसने अपने 90% सैनिकों को वापस बुला लिया था। और आपको याद हो कि उस वक्त कैसा माहौल चल रहा था, लगभग अफगानिस्तान पर 85% अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आपने बहुत सारी वीडियोस उस वक्त देखी होंगी, बहुत सारे लोग जो हैं वो प्लेन के टायर के ऊपर बैठकर अपने मतलब अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे थे, कितनी हड़कंप अपने देखी थी वहां पर। तालिबान का जब अधिग्रहण होता है, देखिए अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन जो है उस पर नियंत्रण कर लिया, 20 वर्ष पहले 9/11 के हमले के मद्देनजर। मतलब इसके पहले की बात करें, निष्कासन के बाद ये पहली बार था कि जो तालिबान के जो लड़ाके हैं वो काबुल शहर में प्रवेश कर चुके थे। तालिबान ने पहली बार वर्ष 1996 में राजधानी पर नियंत्रण किया था, तो इस बात को 20 साल पहले की उन्होंने दोहरा दिया। अब तालिबान के शासन के तहत अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति अगर हम बात करें, इसके ऊपर अगर ओवरव्यू बात करें, तो तालिबान ने एक तरीके से जिस देश पे अपना नियंत्रण स्थापित किया वो एक हम देखेंगे रेडीमेड कंट्री थी, जहां पर 32 मिलियन जनसंख्या वाले अफगानिस्तान के प्रशासन संभालने की जो अब तालिबान के पास ना तो क्षमता थी ना तो वित्त था, मतलब कि ना फाइनेंस था ना रुपया था, ये सब चीज़ें अभाव थी, इवन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था तालिबान के पास। अफगानिस्तान ने उच्च और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, अब अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूँ, जो उच्च और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं जिनके पास पर्याप्त धन है, साधन है, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो जो मतलब पहले कभी अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, जो अफगानिस्तान के पहले जो गवर्नमेंट हुआ करती थी, अमेरिकी समर्थक गवर्नमेंट हुआ करती थी, जिसमें अधिकारी हुआ करते थे, वो तालिबान के शासन का हिस्सा नहीं बनना चाहते और इसलिए वो देश छोड़कर भाग गए। तो लो भैया, इनके पास ना पैसा ना फिर काम चलाने के लिए इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी, तो वो भी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अभी तक शासन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी, यानी इसको रिकग्नाइज ही नहीं किया। इंटरनेशनली अगर मैं बात करूँ, किसी भी देश ने, चाहे वो भारत की अगर मैं बात करूँ, तो भारत ने भी तालिबान को समर्थन मतलब ये दिया ही नहीं कि हम मानते हैं कि आपकी गवर्नमेंट है, किसी ने नहीं माना है। इवन कई देशों ने तो प्रतिबंध लगा रखा है कि अफगानिस्तान से कोई आ ना जाए यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग की अगर बात करूँ, यानी कि इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करूँ, तो वो लिमिटेड करके, सिंपल भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो अफगानिस्तान है उसके पास पैसे नहीं मिल रहे हैं, बेचारे भूखे मर रहे हैं। अभी थोड़े टाइम पहले जैसे इन्होंने गुहार लगाई थी भारत से कि भैया देखो हमें थोड़े बहुत खाने के लिए दाने दे दो। तो यहाँ अर्थव्यवस्था की बात करूँ तो देखिए, मई 2020 में तालिबान ने पूरी तरह से घरेलू राजस्व आधारित वार्षिक बजट पेश किया, यानी कि एक एनुअल बजट जो इन्होंने निकाला था वो डोमेस्टिक रिवेन्यू के ऊपर था कि अपने ही देश के अंदर कमाया हुआ जितना पैसा है, अपने ही सिर्फ अपने ही देश के अंदर कमाया हुआ उसी से हम अपना देश चलाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि इस बजट के अंदर उन्होंने बोला कि 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है हम उसको खर्च करेंगे और 2.1 अमेरिकी बिलियन डॉलर जो है मतलब उसका राजस्व का अनुमान लगाया गया। व्यय के बारे में भैया कहाँ खर्च करोगे, कहाँ से तुम रेवेन्यू जनरेट करोगे, या फिर तुम जो एक्सपेंडिचर है और जो रेवेन्यू है इनके बीच में जो ये आप गैप दिखाया है इसको कैसे पूरा करोगे, इसके बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। अफगानिस्तान का अधिकांश राजस्व जो है वो कस्टम ड्यूटी से आ रहा है और थोड़ा बहुत पैसा कहाँ से आ जाता है, पाकिस्तान को वो कोयला बेच देता है उससे। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय प्रतिक्रिया अफगानिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए यूनाइटेड नेशन जो है ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस जो है वो अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है ताकि भैया थोड़ा बहुत ये बचा रहे, कहीं ऐसा ही नहीं हो कि पूरा ही डूब जाए, हाँ थोड़े बहुत सांस लेने के लायक रहो लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही बाहर निकाल लेंगे। तो ये यूएन हेल्प भी कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है, देखिए वहां पर जो है लड़कियों के लिए या उच्च शिक्षा जो है उसके ऊपर प्रतिबंध तो लगाए दिए गए हैं तालिबान के अलावा, तो अब जो शिक्षक हैं उनका वेतन जो है वो यूएन के द्वारा दिया जा रहा है। रेड क्रॉस कमेटी अगर मैं बात करूं द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ये फाइनेंस कर रही है इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो काबुल के अंदर है उसको फाइनेंस किया जा रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग फैसिलिटी, यूएन ने प्लान किया है कि वो $1 बिलियन देंगे हार्ड कैश, मतलब कैश देंगे, इंक्लूडिंग भैया ये उन लोगों को दिया जाएगा जो बहुत ज़्यादा नीडी पीपल हैं। कैसे दिया जाएगा, जो एक तरीके से थर्ड पार्टी होगी इनके अंदर उस एजेंसीज के द्वारा, जो ट्रस्टेड एजेंसी होंगी उनके द्वारा जो है पैसा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अब सुरक्षा की बात कर लेते हैं कि तालिबान कितना सुरक्षित है या फिर कितनी सुरक्षा कर पा रहा है अपने देश की। देखिए तालिबान दाएश या फिर इसकी बात करें एक और संगठन
जिसका नाम है ISKP। ISKP का मतलब इस्लामिक स्टेट खोरसान प्रोविंस। ये तो भैया ये इससे भी खुरासान, खुरासान ये इससे भी ज़्यादा एक तरीके से समझिए खतरनाक है तालिबान से। ये कहते हैं कि हम तो असली असली इस्लाम जो है वो लागू करवाना चाहते हैं, मतलब तालिबान जो है वो नकली इस्लाम लेके बैठा हुआ है जिसकी बिहाफ पे इन्होंने सत्ता अपनाई। अब ISKP बोल रहा है कि हम तो आपसे भी असली लेकर आएंगे, ये बात इसके बारे में बोली जा रही है। अब ये क्यों बोल रहे हैं, देखिए संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ISKP के द्वारा जिम्मेदारी और ये दावा लिया गया कि हिंसा हुई जो अगस्त 2021 के मध्य से शुरुआत हुई जून 2022 के मध्य तक लगभग 2106 लोग जो है वो लोग मारे गए, मतलब कि घायल हुए, 700 लोग जो है वो मारे गए। इसको किसने क्लेम किया भैया, ISKP ने इसका जिम्मेदारी ली। अमेरिका द्वारा काबुल के एक इलाके में अलकायदा नेता अयमान अल जवाहिरी की हत्या ने तालिबान की असुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इसके अलावा अफगान की जनसंख्या और तालिबान की हम बात कर लेते हैं, हालांकि नागरिकों के प्रति तालिबान का 20 साल पहले जो रवैया हुआ करता था उसमें कोई फेरबदल आया नहीं है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं वही क्रूर तरीके हैं, लेकिन उसको कहीं स्ट्रिक्टली तौर पे जो है वो लागू नहीं किया गया। जैसे महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए ड्रेस कोड है भैया, ये ड्रेस जो है आप पहन के बाहर निकलें, लेकिन इसको सख्ताई से लागू नहीं किया गया। तालिबान के द्वारा स्कूल स्कूल में जो स्कूल जो कक्षा है वो 6 तक, उससे आगे लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, काम नहीं करेंगी, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिबंध लगाए गए। महिलाओं ने इसका ऊपर कहा कि भैया हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, इसकी मांग करने के लिए महिलाएं जो है इसका विरोध प्रदर्शन करने लगी। विरोध प्रदर्शन हुआ तो इनको तितर बितर करने के लिए गार्ड्स ने क्या किया, फायरिंग कर दी हवा के अंदर। संयुक्त राष्ट्र ने 160 गैर न्यायिक, मतलब बिना जांच पड़ताल तुमने उनको हत्याएं कर दी, ऐसे मार रखा है, 178 लोगों को तुमने हिरासत में ले रखा है, पहले वाली सरकार और सैन्य अधिकारी के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के 56 मामले की सूचना दी है। ये किसने दिए, संयुक्त राष्ट्र ने दिए, गुटबाजी की रिपोर्ट है। देखिए तालिबान के जो हक्कानी जो एक समूह हो गया, एक कंधार के कोर हो गया, ये जो मेन समूह है इनके बीच में कहा जा रहा है कि फूट पड़ गई है, टूटने की कगार पर है, और एक तरीके से तालिबान अफगानिस्तान के अंदर फिर से एक संभावना जताई जा रही है कि सिविल वॉर जो है वो यहाँ पर शुरू हो सकता है। अब इसके अलावा बात करें तालिबान जो है वो भारत के लिए या फिर तालिबान शासन के बाद भारत का अफगानिस्तान के प्रति क्या रुख है। देखिए तालिबान ने जब से कब्जा किया है अफगानिस्तान के ऊपर तो भारत एक दुविधा के अंदर फंसा हुआ है कि भैया हम किस चीज़ को प्रायोरिटी दें। एक रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में अफगानिस्तान की स्थिति को बहाल करने या फिर जमीनी पर व्यवहारिक बाधाओं के बीच विभाजित इस दुविधा में बीच में फंस कर रह गया है भारत। वर्तमान में भारत अफगानिस्तान के संभावित जुड़ाव के 3 व्यापक तरीकों का आकलन कर रहे हैं, जैसे कि भाई मानवीय सहायता प्रदान कर दो इनके लोगों को, अन्य भागीदारी के साथ संयुक्त आतंकवाद यानी कि दूसरे कंट्रीज के साथ जो एक आतंकवाद के साथ कैसे लड़ा जाए, उसके से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसके ऊपर भी काम जो है वो ही कर रहे हैं। तालिबान से बातचीत करने के इसके प्रयास चल रहे हैं। इन सभी का अंतिम लक्ष्य लोगों के साथ लोगों का एक तरीके से लिंक कनेक्ट करना। पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में दिल्ली की विकासात्मक सहायता से प्राप्त लाभ के दावों से पीछे न हटने को रोकना, ये सब चीज़ें जो है भारत सरकार के द्वारा की जा रही हैं। या फिर कहीं कि इनके ऊपर प्रायोरिटी देने की कोशिश की जा रही है। भारत ने सभी जो है वो 34 अफगान प्रांतों में 400 से अधिक प्रमुख बुनियादी ढांचों की शुरू की है और व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। वर्ष 2002 से लेकर 2021 तक भारत ने अफगानिस्तान में विकास सहायता के लिए $4 बिलियन खर्च किए, जिसके अंदर हाई विजिबिलिटी प्रोजेक्ट जैसे कि उसमें हो गया हमारे सामने राजमार्ग यानी कि जो सड़क होगी, अस्पताल होगे, संसद भवन होगी, ग्रामीण स्कूल होगे या विद्युत ट्रांसमिशन होगे, इन लाइनों पर पैसा खर्च किया गया भारत सरकार के द्वारा। इन परियोजनाओं ने भारत के लिए सद्भावना का व्यापक और गहरा संबंध स्थापित किया, जिसका कोई अन्य देश दावा भी नहीं कर सकता कि भैया हमने बनाया। काबुल के 2 मिलियन निवासियों के पानी के उपलब्ध कराने के लिए एक सैतूत बांध का काम जो था वो अधूरा रह गया था, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको भी पूरा कर देती अगर तालिबान का कब्जा ना होता। लेकिन बावजूद इसके भारत ने बहुत सारे काम इसमें किए हैं। भारत के लिए अफगानिस्तान का क्या महत्व है, देखिए आर्थिक और रणनीतिक हित में अगर मैं बात करूं, देखिए अफगानिस्तान तेल और खनिज समृद्ध एक मध्य एशिया गणराज्यों का प्रवेश द्वार है। मध्य यानी सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया कैसे, अगर आप यहाँ पर इस मैप को देखेंगे तो ये अफगानिस्तान रहा। हम चाहते थे कि हम अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए अफगानिस्तान देश के रास्ते होते हुए ये जो आपके सामने सेंट्रल एशिया जो कंट्रीज दिख रही हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे जो देश हैं इनके अंदर हम पहुंच पाएं और पहुंच पाएं, अपना व्यापार यहाँ पर बढ़ पाएं।
तो ये एक तरीके से एक रूट के तौर पे देखा जा रहा था, क्योंकि इसकी जो आप इसकी लोकेशन देखेंगे ना, वो इसको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा रही थी। और ऐतिहासिक सिल्क रोड के रूप में केंद्र में स्थित अफगानिस्तान लंबे समय से एशियाई देशों के बीच जो एक वाणिज्य का केंद्र था, जो उन्हें यूरोप से जोड़ता तथा धार्मिक, सांस्कृतिक और वाणिज्य संपर्कों को बढ़ावा देता था। अब यहाँ पर ये सब हो गया हमारे सामने। विकास परियोजनाएं क्या हो गई हैं? देखिए, इस देश के लिए बड़ी निर्माण योजनाएं भारतीय कंपनियों के लिए बहुत सारे अवसर, यानी कि उनको अपॉर्चुनिटी दे रही हैं। तीन प्रमुख परियोजनाओं की अगर मैं बात करूं, तो पहले आती है हमारे सामने अफगान संसद, जेरार्ड डेल रोज राजमार्ग, और अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध। ये तीन बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। इसके अलावा सैकड़ों योजनाएं और भी हैं छोटी छोटी, जिसमें स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, जल परियोजनाएं होगी, जिसमें 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक भी खर्च भारत ने अफगानिस्तान की सहायता के लिए खर्च किया हुआ है। सुरक्षा हित की अगर हम बात करें, देखिए भारत इस क्षेत्र में सक्रिय पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद समूह से उत्पन्न राज्य प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है। मतलब सिंपल सी बात है, पाकिस्तान का इंटरफेयर रहा है अफगानिस्तान को, यानी तालिबान को बढ़ावा देने में। तो भारत हमेशा एक तरीके से चाहता है कि यहाँ पर ये जो पाकिस्तान का जो इंटरफेयर है वो कहीं ना कहीं ये दूर हो, इसको रोक पाए। अलकायदा जैसी जो जिहादी समूह है उनकी वापसी से बचने के लिए भारत सरकार जो है इनसे पीछे हटना चाह रही है कि भैया भारत में जो हमले करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ये जो है वो दूर रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि जो तालिबान का 1 साल का जो शासन है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, भारत के प्रति इसका रुख क्या है, या फिर भारत का जो हम या भारत सरकार ने इनको मान्यता दे रखी है, नहीं दे रखी, ऑब्वियसली नहीं दे रखी है, फिर किसी भी देश ने इनको मान्यता नहीं दे रखी है, हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हैं तो वीडियो को बेशक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अरे आई क्यों नहीं लिखा जा रहा, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। और PDF के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।